स्टॉक मास्टर चैनल से मैं आनंद कुमार आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 1 फरवरी को निफ्टी में होने वाले मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि निफ्टी में कल क्या उठापटक हो सकती है। और दोस्तों कल एक फरवरी का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसका काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं दोस्तों। और कल महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों कल एक तो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके अलावा दोस्तों कल 1 तारीख है तो हमारी वित्त मंत्री हमारे देश का बजट पेश करेंगे। और ऐसे समय दोस्तों शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी उठापटक होती है और हमें काफ़ी कई बार हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। इसलिए हमारे लिए 1 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और उसको सारे लेवल्स को ध्यान में रखें तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज फिर निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें, वीडियो को आराम से देखें दोस्तों। हमारे सारे प्रेडिक्शन जो है 100% सही हैं। कल भी अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो 100% हमारा प्रेडिक्शन सही निकला है। और यदि आपने उसको अच्छी तरह से अप्लाई किया होगा दोस्तों आज आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो दोस्तों आपको अपनी वीडियो की प्रामाणिकता दिखाने के लिए पहले मैं आपको आज का जो हमने प्रेडिक्शन दिया था उसका एक छोटा सा क्लिप है 30 सेकंड का, उस क्लिप को दिखाता हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो की कितनी महत्वता है दोस्तों। 15 से 20 मिनट दोस्तों कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट करने के बाद दोस्तों मार्केट यदि अपने हाई को ब्रेक करता है तो दोस्तों हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर ही हमको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो दोस्तों जब ये कंसोलिडेशन फेज को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलता है और इस ट्रेंड लाइन पे आके कंसोलिडेट करे उसको जैसे ही ब्रेक करता है दोस्तों तो पहले हमको 21650 हमारा एक टारगेट रहेगा। यहाँ पर मार्केट आने के बाद फिर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की ओर ब्रेक करे दोस्तों तो फिर 21760 और उसके बाद दोस्तों कंसल्ट करने के बाद दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा हमारा क्लिप इसकी कल की है जो हमने आपको वीडियो में दिखाई थी वो क्लिप आपने देखी दोस्तों और कितनी सटीक हमारी जानकारी रही और कितने जहां हमने बोला वहीं मार्केट खोला वहीं से क्रॉस होकर ऊपर गया। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है दोस्तों तो दोस्तों आपको एक अच्छे वीडियो की जरूरत है। मार्केट में बहुत तरह तरह के वीडियो हैं दोस्तों, कई तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको भ्रमित किया जाता है, कई तरह के प्रॉफिट बताए जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट बताए जाते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता है शेयर मार्केट में दोस्तों, अपने स्वयं की मेहनत और एक अच्छा गाइडेंस हो दोस्तों तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर है कि आपको जो भी अच्छा वीडियो लगता है किसी भी एक्स वाई जेड किसी का भी दोस्तों, तो उसका वीडियो आप पूरी तरह से संपूर्ण रूप से देखें और उसके सारे लेवल्स को देखें, उनको फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपको धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट होने लगेगा। और दोस्तों हमारे वीडियो में मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सब बातें हैं एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं दोस्तों तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप आने वाले समय में स्वयं एनालिसिस करेंगे और स्वयं जो है आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आज निफ्टी में क्या टॉपिक हुई उस बारे में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको कल ही कहा था कि यदि हमारा मार्केट 21,540 के आसपास ओपन होता है तो हमको पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो को मार करना है और विशेष रूप से कैंडल को मार करने के बाद दोस्तों जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करे या नीचे की ओर ब्रेक करे तो हमको ट्रेड लेना है। और दोस्तों मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेक किया और हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे मैंने और अपने सभी सब्सक्राइबर लोगों को मैंने एक बढ़िया कॉल की पोजिशन दिलाई और कॉल की पोजीशन में दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी और जो कि हमने आपको पहले कह दी थी कि यहाँ ट्रेंड लाइन पे मार्केट यदि आता है तो मार्केट कंसोलिडेट होना चाहिए। और दोस्तों एक रेड कैंडल बना के इसने 15 मिनट की कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर उसको ब्रेक किया और दोस्तों हमारा अगला टारगेट था 21650 दोस्तों वहाँ मार्केट पहुँच गया। उसके बाद दोस्तों मार्केट पहुँचने के बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट दोस्तों फिर अपने लगभग टारगेट की ओर 21760 के आसपास मार्केट पहुँच गया। तो दोस्तों हमारे दोनों टारगेट थे, पहला टारगेट दोस्तों हमारा यहाँ से हाई क्रॉस होने के बाद पहला कॉल में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया दोस्तों। उसके बाद हमारा जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई दोस्तों हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत अच्छा एक प्रॉफिट कमाया और सभी हमारे सबका भी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों ये ताकत है एक ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की दोस्तों, कि हम लोग आपको बिल्कुल क्लियर लेवल देते हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको शाम के टाइम दोस्तों मार्केट ने फिर कंसोलिडेट किया, देखिए अब ये ट्रेंड लाइन बनी, फिर मार्केट नीचे आया कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे आया कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेक किया। दोस्तों ये कैंडल आपको भले छोटी दिख रही है लेकिन आप जब इसको ऑप्शन चार्ट में देखेंगे तो कैंडल काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने रिसेंट और दोस्तों सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो दोस्तों इस तरह मेरा आपका निवेदन है कि आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखें। कल का प्रेडिक्शन, कल हमारा दिन बहुत महत्वपूर्ण है तो कल आप मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी और आप अगर उसको अच्छी तरह से लेवल को देखते हैं तो कल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है।
तो दोस्तों अब हम 1 तारीख को निफ्टी में होने वाले मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारी चर्चा 3 बिंदु पर रहती है क्योंकि हमारा जो निफ्टी है वो 3 तरह से खुल सकता है। पहला दोस्तों गैप अप, दूसरा फ्लैट और तीसरा गैप डाउन। दोस्तों 3 तरह से मार्केट खुल सकता है। जिस तरह से दोस्तों मार्केट की ओपनिंग होती है हमारे हाथ में नहीं होती है, तो जैसे ही मार्केट जिस लेवल पर खुलता है दोस्तों, तो हम तीनों बिंदु पर चर्चा करके उसके लेवल तैयार रखते हैं और जैसा खुलता है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले यदि मार्केट हमारा फ्लैट खुलता है 21700 से लेके 21680 के बीच में, दोस्तों यहाँ पर मार्केट फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद दोस्तों आधा घंटा कंसोलिडेट करें दोस्तों। कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों हमारे लिए फ्लैट खुलने पर 2 जोन है, एक है 21760 और दूसरा है दोस्तों 21650। दोस्तों ये 2 जोन है दोस्तों, इन 2 जोनों के बीच में जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा कल अगर फ्लैट खुलता है तो उस तरफ मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट होने की संभावना है दोस्तों। तो यदि दोस्तों मार्केट यदि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद 15 से 20 मिनट आधा घंटा करीब में कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों यदि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो दोस्तों सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस जो आएगा वो 21820 आएगा दोस्तों। 21820 पे मार्केट आने के बाद दोस्तों यदि इसको मार्केट यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और 21850 दोस्तों हमारा अगला रेजिस्टेंस आएगा और दोस्तों इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट में बहुत तेज मूवमेंट आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पिछला एक गैप भी हमारा फेल है तो मार्केट बहुत स्पीड से दोस्तों 21960 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि इसको भी क्रॉस करता है दोस्तों तो फिर 22050 दोस्तों हमारा टारगेट है अगला ये वाला, और 22050 तक मार्केट पहुंच सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि मार्केट फ्लैट खुलता है दोस्तों, फ्लैट खुलने के बाद दोस्तों यदि हमारा 21660 को ब्रेक करता है, ध्यान सुनिए दोस्तों 21660 को ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो है अगला टारगेट है 21580 दोस्तों, ये रहेगा हमारा टारगेट 21580 दोस्तों। यहाँ पर मार्केट आए कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद फिर यदि इसको नीचे ब्रेक करता है तो 21485 दोस्तों हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और दोस्तों हमको यहाँ पर आपको मैं रोज बताता हूँ कि जब भी हमारा मार्केट किसी सपोर्टेशन पर आता है और हमने अगर ट्रेड ली हुई है दोस्तों, पहले हमको यहाँ पे उस ट्रेड से बाहर होना है, एग्जिट होना है, एग्जिट होने के बाद प्रॉफिट बुक करना है और प्रॉफिट बुक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल हो जाना है और न्यूट्रल होने के बाद मार्केट जिस तरह ब्रेक करे, एक हमको ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट ट्रेडिंग करना है, ब्रैकेट बनाना है, मार्केट को कंसोलिडेट होने देना है और कंसोलिडेट होने के बाद दोस्तों मार्केट अगर नीचे ब्रेक करे तो हमको अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखना है और यदि मार्केट यहाँ से बाउंस ब्रेक करे तो हमको ऊपर की ओर कॉल में पोजीशन बनाना है क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी बुलिश है और मार्केट किसी भी सपोर्ट पे आके चाहे यहाँ पे आके बाउंस भी ले सकता है या नीचे आ जाए तो यहाँ पे आके बाउंस भी ले सकता है। इसलिए दोस्तों हमको हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस पे न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, इससे दोस्तों हमें ट्रैप होने के चांसेस हमारे कम रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन है कि यदि मार्केट 21580 और 21560 के आसपास दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, आराम से बिंदास दोस्तों 15 मिनट की कैंडल बने देना है। 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद दोस्तों उसके हाई और लो को मार्क कर देना और मार्क करने के बाद दोस्तों देखना है कि मार्केट हमारा किस तरफ ब्रेक कर रहा है। यदि दोस्तों मार्केट हमारा नीचे की ओर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर आता है तो सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 21485 रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यदि नीचे को ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों अगला टारगेट हमारा जो है वो 21400 के आसपास रहेगा। इसमें दोस्तों हमको एक बात ध्यान रखना है कि हमारा 31 तारीख का जो लो है वो है दोस्तों 21448। यही दोस्तों मार्केट इस लो को ब्रेक करता है 21448 दोस्तों ध्यान रखें 21448 दोस्तों 21448 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट आने की संभावना, फिर मार्केट में दोस्तों 47 के बाद सीधे डायरेक्ट मार्केट में दोस्तों 21255 तक मार्केट गिर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी हमारी एक नीचे की कंडीशन है यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन होकर नीचे की ओर ब्रेक करता है। यदि दोस्तों मार्केट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करता है दोस्तों, हाई ब्रेक करता है दोस्तों सबसे पहले मार्केट जो है वो कल की क्लोजिंग की तरफ, आज की क्लोजिंग की तरफ जरूर पहुंचेगा दोस्तों, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो होती है वो हमारे लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है और मार्केट उस क्लोजिंग पर जरूर आएगा दोस्तों। और उस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद चूंकि ये क्लोजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस काम भी करती है तो यहाँ पर मार्केट आके कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों मार्केट फिर 21760 को यदि ब्रेक करता है तो फिर हमको एक बुलिश मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों वो मूवमेंट हमारा जो है वो और दोस्तों और उसके बाद हमारा मूवमेंट हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तीसरी कंडीशन है हमारी कि यदि मार्केट 21820 और 21800 के आसपास ये दोस्तों मार्केट ओपन होता है तो दोस्तों हमको यहाँ पे भी दोस्तों 15 मिनट की कैंडल बनने देना है, उसके हाई को और लो को मार्क करना है और मार्क करने के बाद दोस्तों यदि लो ब्रेक होता है दोस्तों तो मार्केट जो है कल की क्लोजिंग पाएगा और कल की क्लोजिंग जो होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और मार्केट यहाँ पर आकर
दोस्तों बाउंस बैक होकर बाद में ऊपर की ओर काफी तेजी से जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमको बहुत अच्छे ध्यान रखना है, यहाँ पे मार्केट कॉन्सेंट्रेट करे, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जैसे ही ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हमको एक कॉल में बेहतरीन पोजिशन दोस्तों मिल सकती है। और इसके अलावा दोस्तों यदि 15 मिनट कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो दोस्तों फिर वो 21,850 को क्रॉस करती है मार्केट, पर 21,960 और उसके बाद 22,050 तक दोस्तों मार्केट पहुंच सकता है। तो दोस्तों हमको इस तरह से हमको कल ध्यान रखना है कि मार्केट किस जगह खुल रहा है और किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पहुंच रहा है। हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दोस्तों हमको ध्यान रखना है फिर से कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाए तो वहां पे मार्केट को रुकने दें, कंसोलिडेट होने दें। कंसोलिडेट होने के बाद जब मार्केट ब्रेक करे तब हमको अगली पोजीशन माना है दोस्तों। और अगर हम ऐसा नहीं करते और मार्केट अगर सीधा ब्रेक करके सीधा निकलता है तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट किसी वक्त भी एक बड़ी रेड कैंडल बना के हमको ट्रैप कर सकता है। तो दोस्तों मार्केट को यहाँ से जाने दें, जाने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद जब मार्केट निकले तो हम अगर पोजीशन बनाते हैं तो हमें 100% उसमें लाभ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा 1 तारीख को निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में है दोस्तों। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि कल जो हमारी वित्त मंत्री है वो करीब 11 बजे दोस्तों अपना अभिभाषण शुरू करेंगी। और दोस्तों हमको 12 बजे तक दोस्तों हमको ध्यान रखें समय का कि 11 से 12 के बीच में दोस्तों हमें ट्रेडिंग देना है, अपनी पोजीशन बनाकर रखना है दोस्तों। और जैसे हमको मार्केट में कुछ बुलिशनेस या नीचे को मार्केट गिरता रहता है तो हमको तुरंत अपनी पोजीशन बनाना दोस्तों। इसलिए दोस्तों सुबह के टाइम ट्रेडिंग ना करें और क्योंकि मार्केट कंसेंट्रेट फेज में रहेगा और आपको कभी ट्रैप कर सकता है। तो जो हमारा असली मूवमेंट है वो 11 के बाद दोस्तों 12, 12:30 बजे का ही मूवमेंट हमारा आने की संभावना है। तो दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें दोस्तों, और अच्छा लगा दोस्तों लाइक भी करें। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो आप देखते हैं, वीडियो से आपको अगर कुछ लाभ मिलता है, आपको लगता है वीडियो में दम है, तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि दोस्तों मुझे को हौसला मिले और मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको बना बना के भेजूं दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।